किसी को भी क्या कहें खड़े सीरियल नंबर वन విభాతులు ఎక్కువ తల స్పెక్కాయి प्रेजिडेंट के लिए तो यहाँ पर आज पहली बार प्रेस क्लब में इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें जी। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही खुशगवार माहौल में हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चला है, अभी तक भी चला है तो मुझे उस चीज़ की खुशी है। दूसरी बात यह है कि पिछले एक साल से हम इस क्लब को बना रहे हैं। मुझे खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मैं उस टीम में मौजूद था जो ये क्लब हम इस्टेब्लिश कर रहे थे, मैं उस टीम को लीड कर रहा था। तो इस मरहले तक पहुँचा है कि यहाँ आज एक पहला इलेक्शन हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक अपने आप में ही एक हिस्टोरिक कदम है। उम्मीद यह है कि लोग जो वोटर्स हैं वो आएंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इसमें और ये जो है इंश्योर करेंगे कि जो अच्छे लोग हैं वो सामने आए ताकि इस क्लब की बहबूदी की बात हम आगे कर सकें। तो आपने इससे पहले भी यहाँ पर प्रेस क्लब को चलाया एज ए नॉमिनेटी, आप बताइए कि कितना अभी टफ कॉन्टेस्ट लग रहा है? देखिए कॉन्टेस्ट तो है, कैंडिडेट्स काफ़ी सारे उठे हैं, वो भी अच्छी बात है, कॉन्टेस्ट होना चाहिए क्योंकि कॉन्टेस्ट नहीं होगा तो अच्छे लोग सामने नहीं निकल आएंगे उसमें से, बिना कॉन्टेस्ट के कोई भी चीज़ सही नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कॉन्टेस्ट है, मेरे ख़िलाफ़ भी कॉन्टेस्ट है, मैं भी एक प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ, प्रेसिडेंट पोस्ट का उम्मीदवार हूँ। मेरी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में या अपने कैंपेनिंग के दौरान कही हैं, मैं फिर वो दोहराऊँगा कि मेरा मकसद और मोटिव एक ही है कि इस क्लब को यहाँ तक पहुँचाया है, इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, इस क्लब को सच में क्लब बनाएंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि हम सब लोग का वेलफेयर हो। चलिए जितना कौन है हारता कौन है, लेकिन क्या हमको बेटर जर्नलिज्म इसके बाद देखने को मिलेगा? जी देखिए उम्मीद वही रहेगी और वो भी एक हमारी प्रायोरिटी है, खासकर मेरी अपनी प्रायोरिटी ये है कि हमारी जो यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो यहाँ के मेम्बरान हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। उसका मतलब यही है कि हम सीखने सिखाने की बातें करें। हम कोशिश करेंगे कि बाहर की दुनिया में जो नई नई जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती हैं, टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनके हवाले से हम वर्कशॉप्स यहाँ ऑर्गेनाइज़ करें, गेस्ट चेक लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ करें और बाकी जो क्लब्स हैं पूरी कंट्री में उनके साथ टाइप्स करें हम लोग ताकि उनका जो बेनिफिट है वो भी हमारे मेंबर्स को मिले। पहले मैं नाम बता दूं, माजिद हैदरी, जर्नलिस्ट। देखें आज ये 15 जुलाई जो है ये एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन है कश्मीर की सहाफत के लिए, क्योंकि आज पहली बार यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रहा है कश्मीर प्रेस क्लब में, जहाँ पे कि नई इलेक्टेड बॉडी चुनी जाएगी। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें पिछले 30 साल में बिलखसूस जो सहाफत के जो सहाफ़ियों के जो यहाँ पर मसाइल रहे हैं वो एक कलेक्टिव फॉर्म में उनको एड्रेस नहीं किया गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तनख्वाह को लेकर के प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो, पेंशन को लेकर के प्रॉब्लम हो, इंश्योरेंस को लेकर के प्रॉब्लम हो, एक जगह मिलके बात करने पे प्रॉब्लम हो, अपग्रेडेशन ऑफ योर स्किल्स पे बात हो, ये सारे इशूज़ निगलेक्टेड रहे हैं, अनहर्ड रहे हैं। तो आज एक उम्मीद बनी है कि ये बनेगा, लेकिन जब हम आज हम इस उम्मीद का कहते हैं कि एक हिस्टोरिक दिन है तो ये हिस्टोरिक दिन इनकम्प्लीट होगा इसके बग़ैर कि हम मोहम्मद सलीम पंडित साहब जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इस क्लब के, उनका हम शुक्रिया अदा करें सब मिल के आज, क्योंकि अगर मोहम्मद सलीम पंडित साहब ने ये उस टाइम इतनी मेहनत नहीं की होती कि क्लब बने तो शायद आज ये इलेक्शन नहीं हो पाते। हाँ, अब जो आगे का जो काम है, देखिए आज के इलेक्शन किस लिए क्रूशल हैं,
کیونکہ آج لوگ آج ہماری جو صحافت کی برادری ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کن فیسز کو چن رہی ہے. اور جس حساب سے میں اس الیکشن کو دیکھتا ہوں یہ بیسیکلی ایک عام صحافی کی ایک انہرڈ صحافی کی کیپٹلسٹ میڈیا کے خلاف الیکشن ہے. میں اس کو صرف الیکشن نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ ایک حق اور باطل کی جنگ ہے جہاں پہ ایک عام صحافی کیپٹلسٹ میڈیا کے خلاف لڑ رہا ہے. تو جو فیس آپ کا اسٹرانگ ہوگا کیپٹلسٹ میڈیا کے خلاف, جن پہ الیگیشن لگتی ہے کہ پچھلے 30 سال میں انہوں نے جسٹس نہیں کیا صحافت کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ, تو جو اسٹرانگ فیس ہوگا ان کے خلاف انشاءاللہ اسی کی جیت ہوگی.